चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, हमें सिक्योरिटी बहुत टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी। उनके स्टेटमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से निकल जाएगी, इस बात का जो डर है वो उनको सता रहा है। ऐसा भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को मिलती है या प्रेसिडेंट को मिलती है हमारे मुल्क में, वही सिक्योरिटी इन टीमों को भी मिलनी चाहिए, और छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी है, वजारत के दाखिला भी उनके पास है, तो मेरे ख्याल वो इस चीज़ से बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। अपने आप में बता रहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो कितने डरे सहमे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और ये तो बात समझ गई ना, ये बात तो उनकी भी समझ में आ गई। ये वो वाला काम नहीं है कि भाई साहब वो हमारे पंजाब में ना पता लगता है कि जी क्या अब गाने बजाने का फंक्शन है जी पहुंचो, पहुंचने से पहले वहां से खबर आ जाती है और ना ना भाई फायरिंग हो गई है, तो ये वो वाला काम नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ी वहां बाहर नहीं घूम सकते आराम से, उनके पास भैया ये सिनेरियो ही नहीं है कि क्रिकेट खिलाड़ी बाहर आए अपने होटल को जाएं और एक्सप्लोर करने की अगर कोशिश करें कि लाहौर में क्या होता है, कराची में क्या होता है, पिंडी में क्या होता है, सब चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आईसीसी ने बोला कि यार ये हमारा इवेंट है, प्लीज आप लोग जाओ पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलो, आपको कुछ नहीं होगा, हम इंश्योरेंस देते हैं भाई, आपको थोड़ी सी भी भाई आंच नहीं आएगी। आईसीसी ने बजट अप्रूव किया 70 मिलियन डॉलर का। बंदा अब आपको बता दें इसमें 65 मिलियन डॉलर पीसीबी के और 5 मिलियन डॉलर जो है ना वो बैकअप के ऊपर है, कि इन केस इंडिया नहीं आती तो उनके बैकअप के ऊपर जो वेन्यू सिलेक्ट किया जाएगा वहां पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। जहां इतनी आप जबरदस्त किस्म की रेनोवेशन कर रहे हैं, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने टूर्नामेंट होस्ट करना है, दुनिया भर की टीमें आएंगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया, तो भाई फिर आप कोई चीज ऐसी लोगों को प्रेजेंट करो ना कि उनको पता चले कि भाई साहब क्रिकेट स्टेडियम खड़े किए हैं। कराची और पिंडी के स्टेडियम के अंदर भी काम शुरू हो गया, कराची के स्टेडियम में भी फायर एंड बिल्डिंग को घिरा दिया गया, पिंडी वाली साइड में वहां पे इनक्लोजर जो थे फायर एंड बिल्डिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर वहां पे काम शुरू हो गया। वो ये बताने की कोशिश करेंगे देखो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही हो रही है, और इसीलिए अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने स्टेडियम का रेनोवेशन भी शुरू कर दिया है। इंडिया ने जी आखिरकार पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट भाई रिपोर्ट आ रही है, न्यूज आ रही है कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान में ट्रेवल करेगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मुश्किल से 5 या 6 महीने आप कह लें बल्कि 7 महीने कह लें ये रहेगी, और अभी तक कजाफी स्टेडियम की बिल्डिंग की एक ईंट रखी नहीं गई। जी हम ये कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है। अब भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान अपने मैच खेलेगा वहां पर, हम तो ये शुरू से ही कह रहे हैं कि जो भी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो हाइब्रिड मॉडल में होनी है, इंडिया वहां पे नहीं जाने वाला है। अलबत्ता मुझे बस एक ही कंसर्न है, वो ये है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई आपके स्टेडियम रेडी ना तो हमारी क्या इज्जत रहती है, उसी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब इंडिया की टीम पाकिस्तान में है भाई, आई थिंक 2008 के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई है, सो अब की बार ब्रो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि भैया विराट पाकिस्तान के ग्राउंड में खेलेगा, भाई साहब क्या सीन क्या सिनेरियो होगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर यानी बासित अली डरा हुआ है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है उसको पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान में कोई भी इवेंट ना हो ताकि हम पाकिस्तान ट्रेवल कर सकें, जिसको लेकर पहले ही बीसीसीआई मतलब बातें कर चुकी है कि हम पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। वहीं आपको बता दें कि अभी बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज होना है पाकिस्तान के साथ, तो इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अगर बांग्लादेश के टीम के साथ कुछ हो जाता है तो आने वाले कई टेस्ट मैच हैं, इंग्लैंड आएगी, वेस्ट इंडीज आएगी, और आगे चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें हमें प्रॉब्लम होगा। बांग्लादेश टीम जो आ रही है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, हमें सिक्योरिटी बहुत टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी। आपको पता है बलूचिस्तान में और पेशावर में हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, ये तो हुकूमत ही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती है क्या वजूहत है, लेकिन गलत हो रहा है। छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को मिलती है या प्रेसिडेंट को मिलती है हमारे मुल्क में, वही सिक्योरिटी इन टीमों को भी मिलनी चाहिए, और छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी है, वजारत के दाखिला भी उनके पास है, तो मेरे ख्याल वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि हमने सिक्योरिटी कैसे। पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर है बासित अली, उनका एक स्टेटमेंट आया, और उनके स्टेटमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से निकल जाएगी, इस बात का जो डर है वो उनको सता रहा है। अब कैसे सता रहा है मैं आपको बताता हूँ। बासित अली का कहना है कि भाई जो हमारे यहाँ पे जो टीमें आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम आ रही है, 21 अगस्त से बांग्लादेश का दौरा शुरू है उनका,
टीम तो पहले है, लेकिन 21 अगस्त से उनका दौरा शुरू हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने भी आना है और उसके बाद वहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम ने भी आना है। तो बासित अली का ये कहना है कि चाहे बांग्लादेश की टीम आई है, चाहे इंग्लैंड की आ रही है, चाहे वेस्ट इंडीज की आ रही है, इन सबको वो वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और इस सिक्योरिटी की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी गाइस, जब पहले भी वहाँ पे मैचेस हो रहे थे, इंग्लैंड की टीम जब वहाँ पे आई हुई थी, आपने सिक्योरिटी देखी थी, काफिला जा रहा था 25-30 गाड़ियों का, पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी। जहाँ इतनी आप जबरदस्त किस्म की रेनोवेशन कर रहे हैं, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने टूर्नामेंट होस्ट करना है, दुनिया भर की टीमें आएंगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया, तो भाई फिर आप कोई चीज ऐसी लोगों को प्रेजेंट करो ना कि उनको पता चले कि भाई साहब क्रिकेट स्टेडियम खड़े किए हैं। ऐसे नहीं है कि क्या नाम है टेंट लगाकर तो उसके अंदर ही वो फंक्शन पुख्ता लिया, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। ये वो वाला काम नहीं है कि भाई साहब वो हमारे पंजाब में ना पता लगता है कि जी क्या गाने बजाने का फंक्शन है जी पहुंचो, पहुंचने से पहले वहां से खबर आ जाती है ना ना भाई फायरिंग हो गई है, तो ये वो वाला काम नहीं है। यहां पर अगर हम बुला रहे हैं ना कि भाई साहब टैट किस्म की क्रिकेट खेली जाएगी, तो टैट किस्म की क्रिकेट खेलकर भी दिखाएंगे, खिलाकर भी दिखाएंगे। आईसीसी ने बजट अप्रूव किया 70 मिलियन का, $70 मिलियन का बंदा। अब आपको बताते हैं इसमें से $65 मिलियन पीसीबी के और $5 मिलियन जो है ना वो बैकअप के ऊपर है कि इन केस इंडिया नहीं आती तो उनके बैकअप के ऊपर जो वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा वहां पे ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब देखिए पिछले मैच एक रिपोर्ट देख रहा था 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसकी जो थी ना बजट वो मोर देन 100 मिलियन था, तो आईसीसी ने पाकिस्तान को कम बजट दिया, तो ये भी चीज पीसीबी को देखनी चाहिए। लेकिन उनको पता था पाकिस्तान इसमें अरेंज कर लेगा, पाकिस्तान कर लेगा काम तो हो जाएगा। अलबत्ता मुझे बस एक ही कंसर्न है, वो ये है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई आपके स्टेडियम रेडी ना तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हम बड़े बदनाम हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पाकिस्तान में नहीं होती है तो हमारा इतना बड़ा इवेंट जो है और पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी कराने का सपना है और पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो बहाल करने का सपना है वो पूरी तरीके से अधूरा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कल बासित अली ने अपने YouTube चैनल पर बातचीत करते हुए कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करती है तो पूरी तरीके से इवेंट खराब हो जाएगी। वहीं उसने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की हालत है उसको इतनी ज़्यादा बढ़ानी होगी और इम्प्रूवमेंट करनी होगी ताकि जो बांग्लादेश के बीच हमारा टेस्ट मुकाबला है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर एक भी मतलब बांग्लादेश खिलाड़ियों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसका इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी पर जाएगा। और आपको बता दें कि आने वाला जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान का होम सीरीज उसमें इंग्लैंड आएगा, वेस्ट इंडीज आएगी और कुछ टीमें हैं जो पाकिस्तान ट्रेवल करके पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आने वाले जितने भी टेस्ट सीरीज है या जितने भी पाकिस्तान में मुकाबले हैं उसमें मतलब खलल हो जाएगी। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली जो 2025 की सबसे बड़ी इवेंट है पाकिस्तान की वो पूरी तरीके से बाइकआउट हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आईसीसी और बीसीसीआई पहले ही मन बना चुकी है कि हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करवाएंगे और इसको हाइब्रिड मॉडल पर करवाएंगे ताकि जो भारत का मुकाबला है किसी दूसरे देश में खेला जाए और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है जो चैंपियंस ट्रॉफी का वो हो सके और जो चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से गवर्न हो सके ताकि चैंपियंस ट्रॉफी खराब ना हो। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।